हेलो गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सीटेट 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश का पार्ट 3 देखने वाले। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको कंप्लीट करा दिया। अगर नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ मैंने लिंक दी हुई है, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं टोटल 5 वीडियोस में आपकी इंग्लिश पैटर्न को ही कंप्लीट करा दूंगी, तो मतलब मैं कंप्लीट कराऊंगी। और तो फिर आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले असेसमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, साइड वर्ड्स क्या होते हैं, साथ ही साथ ही हम टाइप्स ऑफ थिंकिंग यानी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एनालिटिकल, ये सारी थिंकिंग को समझेंगे। और साथ ही इंग्लिश पैडागॉजी यानी कि अगर हम टीचिंग करा रहे हैं किसी को इंग्लिश की तो उसके क्या क्या रूल्स होने चाहिए, इस चीज़ को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम असेसमेंट से। देखिए, असेसमेंट यानी अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है आकलन, किसी का टेस्ट करना। देखिए, यहाँ टेस्ट मतलब है कि हम के उसके सिर्फ हम पढ़ाई से रिलेटेड टेस्ट ना होकर ये टेस्ट उसके ओवरऑल चीज डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, यानी उसकी पढ़ाई के साथ साथ जो स्पोर्ट्स में अगर वो कोई एक्टिविटी करता है तो उस सारी चीज़ों का भी वहाँ पर टेस्ट होगा। असेसमेंट बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, फॉर्मेटिव एंड सममेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब है ड्यूरिंग लर्निंग, यानी लर्निंग के समय अगर हमारा टेस्ट लिया जा रहा है बच्चों का, यानी क्लासरूम में हमने कोई टॉपिक पढ़ाया और पढ़ाते ही हमने उसके आधे घंटे के बाद जैसे वो टॉपिक कंप्लीट हुआ हमने उससे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए क्लास में और बच्चों से पूछ लिया, अगर बच्चे हमको दे पा रहे हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट, तो फिर हमको इसका मतलब है कि हमने जो पढ़ाया है वो अच्छा, तो हमको एक तरह से फीडबैक मिल गया। अगर नहीं दे पाए तो भी हमें एक फीडबैक मिल गया कि चलो बच्चों का तैयार नहीं हुआ तो हम उसे दोबारा अच्छे से और पढ़ा सकते हैं। तो टेस्ट और फीडबैक इसी टाइम फॉर्मेटिव में हो जाता है, क्लासरूम में चीज़ें हो जाती हैं और ड्यूरिंग लर्निंग हो जाता है। जबकि सममेटिव में क्या होता है, आफ्टर लर्निंग, यानी कि हमने पूरे 1 महीना 2 महीने पढ़ाया फिर हमें यूनिट टेस्ट ले लिया या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली एग्जाम्स ले लिए, तो यानी टोटल ओवर कुछ ज़्यादा ये कह सकते हैं सम करके हमने ऐड करते हुए अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो सममेटिव असेसमेंट कहलाता है। यानी आफ्टर लर्निंग जो होगा सममेटिव, जबकि ड्यूरिंग लर्निंग फॉर्मेटिव होगा। अब बात करते हैं हम, देखिए इससे तो एक चीज़ ये भी पूछी जाती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग हम कुछ लर्निंग के लिए सीखने के लिए अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो फॉर्मेटिव में, और जब हम सीख चुके हैं तो सीखने जो हमने सीखा है सीखे हुए करें असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो ये सममेटिव का करेंगे, और अगर असेसमेंट एज लर्निंग तो ये अगर हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं खुद का, जो कि सबसे बेस्ट होता है एक टीचर या एक स्टूडेंट के लिए किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, तो वो असेसमेंट एज लर्निंग हो जाता है, जो कि सेल्फ असेसमेंट। यानी अगर सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर्मेटिव का मतलब है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एंड सममेटिव का मतलब है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब हम पढ़ते हैं सैंडविच अप्रोच के बारे में। सैंडविच अप्रोच, अगर हम सैंडविच की बात करें जो हम खाते हैं, तो सैंडविच में क्या होता है, 2 ब्रेड होती है, ब्रेड के बीच में हम क्या करते हैं, हम आलू, पनीर या कुछ वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ सैंडविच अप्रोच का मतलब है लर्निंग में, या इंग्लिश लर्निंग में, कि हम सबसे पहले इंग्लिश में कुछ चीज़ इनपुट करते हैं, जैसे कि हमने बच्चों से बोला कि व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम, तो फिर अब बच्चों का नहीं समझ पाए तो हम उनको हिंदी की मदद के लिए बोलेंगे कि आप सब ये भी क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उनकी हेल्प हो गई। अब इंग्लिश के बोला हमने, फिर हमने हिंदी बोली, अब हमने टीचर्स ने बोला कि यू ऑल आर डूइंग योर स्टडी, ये बोल दिया, तो इस तरह से इंग्लिश हो गया। यानी इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश करके अगर बोल रहे हैं तो ये सैंडविच अप्रोच होती है, जो कि काफ़ी कारगर देखी गई है। अब हम पढ़ते हैं CLL और CLT के बारे में। आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी, CLL कहीं आपको दिखता है सी और CLT देखने को मिलता है। CLL का मतलब है कि कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, यानी इसमें कम्युनिटी जो है वो हमारी लैंग्वेज करने में हेल्प करेगी, यानी इसके बीच में स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा, या फिर बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्शन होगा, तो ये बेसिकली हो जाता है CLL। CLL का मतलब कम्युनिटी से अगर लैंग्वेज लर्निंग हो रही तो CLL होगा, इसमें इंटरेक्शंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वही CLT। CLT का फुल फॉर्म है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसमें कम्युनिकेशन को जोर दिया जाता है। CLL में कम्युनिटी को और CLT में कम्युनिकेशन को,
इसमें कुल मिलाकर कम ये है कि बच्चों के अगर एक्यूरेसी चेक नहीं की जाती है, एक्यूरेसी पर इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता कि उसके अगर वो कुछ बोल रहा है तो ग्रामेटिकली अगर वो करेक्ट है या नहीं, हम उसे ये चेक नहीं करते, हम उसकी फ्लुएंसी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि वो फ्लुएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो जाता है हमारा CLT। अब नेक्स्ट पेपर पढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अब मैं कुछ आपको जो सीटेड आपके अक्सर आपसे पूछता है कुछ ऐसे वर्ड जो अक्सर वो अपनी पैडागॉजी में यूज़ करता है, तो ऐसे टर्म्स, ऐसे वर्ड्स को क्लियर करूँगी। तो ऐसे इससे पहला वर्ड है ड्रिल। आपने अक्सर देखो ड्रिल आपको पढ़ने को मिलता है। ड्रिल का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग, ये कुछ चीज़ करके हम सीख रहे हैं, तो वो हमारा ड्रिल मेथड होता है। इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है पूरी चीज़ के, बच्चे जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं इस चीज़ पे और उससे ऐसी चीज़, तो एक पॉजिटिव होता है ये ड्रिल मैथड, एक पॉजिटिव साइन है। हमें इसके लिए बच्चों को इनक्रेज करना चाहिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब देखिए वैसा तो लगता है प्रैक्टिस अच्छा है, लेकिन अगर हम बच्चों के देखें तो हम जैसे बोला जाए कि किसी बच्चे को एडिशन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको 10 questions दे दिए, एडिशन के 10 problems दे दिए सॉल्व करने को, तो ऐसे बच्चे नहीं सीखेगा। हम उसे क्या कर सकते, कुछ करने के लिए दिए, काम करते हैं कि हम 10 topics देते हैं, बोल देते कि अगर हम आपको 5 topics आप दें तो आपकी कितनी होंगी, तो बच्चा सारी चीज़ों को ऐड करेगा, एक एक काउंट करेगा, तो ये उसने करके सीखेगा, तो ये हमारा ड्रिल मेथड है। और अगर उसी टाइप के 10 questions सॉल्व करता है तो वहाँ ना प्रैक्टिस है, यानी पर्टिकुलर एक चीज़ पर लगे रहे, तो प्रैक्टिस होती है तो इस तरह से नेगेटिव मानते हैं। रोट लर्निंग ये पूरी तरह से नेगेटिव होता है, हमें रटने पे जोर बिल्कुल नहीं देना है, इन डिस्करेज करना बच्चों को इसके लिए, तो रोट लर्निंग हो गया रटना। फिर होता है एनेक्डॉट। एनेक्डॉट का मतलब होता है रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड, यानी चाइल्ड के जितने भी पहलू हैं उसके, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, उसके पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई के बाहर के रिलेटेड, उसके घर से, घर के कुछ चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, तो ऑल ओवर जो भी उसके बारे में होगा चाइल्ड की, वो एनेक्डॉट में आपको मिलता है, एक रिकॉर्ड्स होता है। वही क्यूमुलेटिव की अगर बात करें तो क्यूमुलेटिव जो होता है एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, यानी उसके केवल स्कूल से रिलेटेड रिकॉर्ड है, किसने पढ़ाई में कितने मार्क्स आए, किसने कितने अगर कोई एग्जाम में से क्वालिफाई है तो कितने सारी चीज़ें उसने करी, ये सारी चीज़ें कब पास हुआ कब फेल हुआ, इन एकेडमिक क्लास बेस्ड जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो होते हैं क्यूमुलेटिव। वही पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो जो होता है केवल अच्छी चीज़ों का रिकॉर्ड्स होता है, यानी इसमें अगर असफलता उसको कहीं मिली है, अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं होगी, लेकिन अच्छी चीज़ों का रिकॉर्ड्स जो होगा एक चाइल्ड का वो पोर्टफोलियो में हो जाता है। अब आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज़ ऑन अ टॉपिक, यानी किसी टॉपिक पर अगर हमें दे दी जाए, जैसे कि अगर बोला जाए कि एक क्वेश्चन, एक टीचर एक एक्टिविटी दे दे या कोई प्रोजेक्ट दे दे कि आप सभी को एक सीड यानी एक बीज के बारे में पता करना है, तो बच्चे क्या है उसके बारे में बहुत सारे आइडियाज़ अपने अपने मम्मी पापा से उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपने टीचर से डिस्कस कर रहे हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट आपस से डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स देख रहे हैं, तो यानी एक चीज़ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको बार बार सोचना ये ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्या है, तो उसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्म, अपने ब्रेन में बहुत ज़्यादा जोर देना, तो वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इन्फरिंग, इन्फरिंग मीन्स होता है निष्कर्ष निकाल कर पढ़ना, इसके लिए बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चे रट्टा नहीं लगा रहे, रीडिंग ना करके निष्कर्ष निकाल कर पढ़ें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट वर्ड की, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग आपने सुना होगा, आपने CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पे इसको पढ़ा होगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है लर्निंग विद द हेल्प ऑफ टीचर, यानी अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज़ पर पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो अगर उसमें टीचर थोड़ी सी हेल्प, ऐसा नहीं पूरा काम कर दे वो उसका, थोड़ी सी उसकी हेल्प हो जाए तब वो सीख ले, तो उसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। अब हम पढ़ते हैं स्कैनिंग के बारे में। स्कैनिंग का मतलब है स्लोली एंड डिटेल रीडिंग, यानी किसी टॉपिक के बारे में हम बहुत ही आराम से पढ़े, ऐसा पढ़े कि हमें पूरी उसकी जो डिटेल्स पता चल जाए, तो उससे बोलते हैं स्कैन करके पढ़ना। स्कैनिंग और जो स्किमिंग है ये दोनों ही जो रीडिंग है इसकी सब स्किल्स होती है, यानी रीडिंग का ही एक तरीका है, जिसमें स्कैनिंग में बहुत ही स्लोली आराम से पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ते हैं जाके हमें पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। वही स्किमिंग जस्ट इसका अपोजिट है। स्किमिंग क्या होता है, ये भी रीडिंग ही होती है, लेकिन स्किमिंग हम स्किप करके पढ़ते हैं चीज़ों को, थोड़ा छोड़ छोड़ कर जल्दी जल्दी फटाफट उस चीज़ को पढ़ लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारे स्किमिंग।
फिर है समराइजिंग। समराइजिंग मतलब समरी बनाना, और समरी बनाने के लिए क्या है, जैसे कि कोई दो पेज है, आप दो पेज पढ़ने याद करने, तो आपने क्या किया, थोड़े डायग्राम बना लिए, कुछ सर्कल्स बना लिए, कुछ रेक्टेंगल्स बना लिए, ट्रायंगल्स बना लिए, उसमें आपने कुछ सारी चीज़ें अपनी इन्फॉर्मेशन एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना लिए, नहीं शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो जो दो पेज में होने वाला था वो आपने कुछ चार पाँच फिगर बनाए या डायग्राम बनाए, उसमें आपने उसको याद कर लिया। तो इससे बोलते हैं समराइजिंग करना। इसके लिए बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, देखिए अभी तो मैं कह रही कि इसके अलावा मैं आपके लिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड इंग्लिश पैडागॉमी लेकर आऊंगी, साथ ही हिंदी यानी कि CDP के लिए भी मैं एक जो नकारात्मक और सकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स लेकर आऊँगी, जिससे आपको पता चलेगा अगर आपके एग्जाम में वो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, नहीं वो आंसर आपको बिल्कुल नहीं होगा, अगर वो पॉजिटिव पॉइंट है तो आपका आंसर हो सकता है। तो एक तरह से आपका 95% चांसेस होते हैं उस तरह से सॉल्व करने में कि आपका सही हो जाता है। अब देखिए 100% की जो गारंटी है वो तो कोई नहीं ले सकता। तो अब समराइजिंग होंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग के बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था काफ़ी अच्छे से। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है स्टेज ऑफ राइटिंग, ये भी एक राइटिंग की स्टेज है, ये सभी स्किल है। स्क्रिबलिंग क्या होता है, हम घसीट कर लिखते हैं यानी बहुत जल्दी, जैसे डॉक्टर्स लिखते हैं फटाफट, कुछ उनके वर्ड्स भी नहीं क्लियर होते या कुछ कह सकते हैं उनके जो लेटर्स भी क्लियर नहीं होते, तो स्क्रिबलिंग होता है राइटिंग की स्टेज जिसमें बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से लिखते हैं। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मीन्स होता है रैंडम आंसरिंग, यानी बहुत जल्दी बहुत तुरंत, जैसे कोई क्वेश्चन पूछे आप तुरंत आंसर कर दे, तो उसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट। देखिए आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल वाले होते हैं जो कभी कभी गलती नहीं करते, कभी भी गलती नहीं करते, बहुत कभी तो वो तो फिर कभी भी हो सकता है। तो जो तो क्या होता है, उनकी जो स्क्रीन होती है यानी कैमरे के बगल में एक प्रॉम्प्टर लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है जिसमें जिनको सारे जो लाइन उनको बोलनी है वो आती जाती हैं, तो उसे प्रॉम्प्टर बोलते हैं, यानी हमें बिना रुके रैंडमली आंसरिंग करें तो उसे प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रैग्मैटिक्स मीन्स होता है मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कोर्स, यानी किसी मुद्दे से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे प्रैग्मैटिक्स कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए थिंकिंग के भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है हमने कोई चीज़ जैसे सीखी तो अब हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये चीज़ क्या पढ़ना हमारा काम आएगा या नहीं आएगा, और ये चीज़ का कहाँ कहाँ यूज़ है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्रिटिकल हो रहा है, उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, उसके गुण दोष सभी चीज़ देख रहे हैं, तो वो हमारे क्रिटिकल थिंकिंग होती है। फिर आती है कन्वर्जन थिंकिंग। कन्वर्जन थिंकिंग का मतलब होता है वन वे थिंकिंग को, यानी अगर हम कुछ एक क्वेश्चन ऐसा दें जिसके सिर्फ एक रटा रटाया आंसर हो, यानी इसका कोई एक ही तरीका एक ही रास्ता हो एक वे हो, तो उसे कन्वर्जन थिंकिंग बोलती है। ये जो होती है क्लोज एंडेड होती है, यहाँ पे क्लोज की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, CLOSE क्लोज होगी स्पेलिंग। तो कन्वर्जन थिंकिंग आपने हिंदी में जैसे पढ़ा होगा अभिसारी, यानी कि या बंद अंत वाली, तो ये होती है हमारी कन्वर्जन थिंकिंग होती है, यानी सिर्फ किसी क्वेश्चन का सिर्फ एक रास्ता हो उसको उसका आंसर का। फिर इसके जस्ट अपोजिट होती है डाइवर्जन थिंकिंग। डाइवर्जन थिंकिंग में क्या होता है कि इसके मैनी वेज जो हमारी थिंकिंग हो, यानी अगर हम कुछ ऐसा क्वेश्चन दें जिसके बहुत सारे तरीके हो उसके आंसर करने के, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से आंसर कर सकें, तो वो होती है डाइवर्जन थिंकिंग, यानी इसका रटा रटाया आंसर ना हो, ओपन एंड इंसकैंड ओपन है, या फिर बहुत सारे अंत जैसे हिंदी में बोलते हैं अपसारी या खुला अंत वाला, तो ये हो जाता है हमारा क्रिटिकल, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन थिंकिंग। अब हम पढ़ते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब है मूर्त यानी फिक्स हो, फैक्चुअल नॉलेज हो, तो उसे कॉन्क्रीट थिंकिंग। कहने का मतलब है अगर हम कोई चीज़ बच्चों को बोले कि बच्चे देखिए ये एक एप्पल है, हमने एप्पल दिखा दी, यानी जो चीज़ उनको हम बता रहे हैं वो हमने उनको सामने से दिखा दी, या हिंदी बोलते मूर्त रूप में दिखा दी, तो उसे बोलते कॉन्क्रीट थिंकिंग बोलते हैं। जबकि इसके जस्ट अपोजिट होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है कि हिडन पार्ट, यानी ऐसी चीज़ जो बच्चों को हम दिखा नहीं सकते, उनको महसूस करा रहे हैं, उनको इमेजनरी मतलब कि उनको सोचने पर कह रहे हैं कि आप सोचिए कैसा होता है, देखिए इसमें ये चीज़ मिलती है, फिर दोनों ये रिएक्शन करते हैं, तो यानी इमेजनरी वर्ड पर अगर हम लेके जा रहे हैं तो वो होती है हमारे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। और खासकर जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पैडागॉजी की आपको एनसीएफएल आपको कंप्लीट कराया हुआ, उसमें भी आपको बताया था कि एनसीएफ क्या कहती है कि मैथ्स हमें इस टाइप से पढ़ानी है कि बच्चों में जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो, यानी अमूर्त जो गणना करने की क्षमता आ जाए,
तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है हमारी, यानी हिडन चीज़ क्या कह सकते हैं, इमेजनरी सारी चीज़ों के बारे में सोचना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है। फिर नेक्स्ट है हेलिस्टिक थिंकिंग। हेलिस्टिक थिंकिंग मतलब होता है नॉन लीनियर या फिर नॉट स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जैसे कि अगर हम बच्चों को कुछ चीज़ सिखा रहे स्टेप बाय स्टेप सिखाए ये थिंक कराने के लिए, कि जैसे मान लीजिए एक एप्पल है, अगर आपने उसे एप्पल को देखा कि वो पेड़ से गिर रहा है, अब जो हमारे जगदीश चंद्र बसु थे उन्होंने उस एप्पल को उठाया, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि एक एक स्टेप बाई स्टेप उनको सोचने के लिए बोला जा रहा है, तो वो हमारी सीक्वेंस थिंकिंग होती है। लेकिन अगर हम बच्चों को ऐसा ना करके पूरा ऑल ओवर डेवलपमेंट करें या सब कुछ एक एक साथ करके सोचें तो हमारी हेलिस्टिक थिंकिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंकिंग है एनालिस्टिकल थिंकिंग। एनालिस्टिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर एनालाइज करके थिंक करना या कंपैरिजन करना, तो वो हमारी होती है एनालिस्टिक थिंकिंग कहलाती है। तो सारी थिंकिंग मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अब हम पढ़ते हैं साइट वर्ड्स के बारे में। देखिए इसके पहले मैंने जो आपको सेकेंड वीडियो था उसमें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने आपको कंटेंट और फंक्शन और जॉब से अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे गए सीटेट में या और भी एग्जाम जहाँ जहाँ सीटेट पैडागॉजी आती है या मतलब पैडागॉजी इंग्लिश पैडागॉजी आती है तो वहाँ पर वर्ड्स देखे गए हैं। यहाँ पे एक ये प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है साइट वर्ड के, व्हाट आर द साइट वर्ड्स, आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो बेसिकली साइट वर्ड्स क्या होते हैं, ये लगभग 100 नंबर होते हैं। ये जो होते हैं एक ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो अक्सर आप कोई भी टेक्स्ट पढ़े कोई भी बुक पढ़े तो उसमें आपको अक्सर वो दिखेंगे दिखेंगे। जैसे कि द, आपने देखा होगा आप दो लाइन पढ़े उसमें चार पांच बार द आया होगा, ऑफ ए एंड दैट विद इट ही शी एक्सेट्रा, ये सारे जो वर्ड्स हैं बहुत बार रिपीट होते हैं। तो होता है क्या है कि ऐसे वर्ड जो होते हैं बच्चे सीखते नहीं हैं, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो अपने अपने आप ही उनके वोकैबुलरी में ऐड हो जाते हैं। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ पर बहुत फोकस नहीं किया हमने ही शी सीखा हो, वो अपने आप हम लोग सीखे कि ऑफ दैट विद, ये सारी चीज़ें होती हैं साइट वर्ड। ऐसे वर्ड यानी कि जो हमारी साइट पे हमारे आँखों पे हमेशा दिखते रहें, तो ये बार बार सामने आते रहे, तो वो होते हैं हमारे साइट वर्ड्स। अब हम रूल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी लैंग्वेज टीचिंग के कौन कौन से रूल्स हैं उनको देखते हैं। देखिए हम अगर हम कोई भी लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, एक टीचर को फॉलो कराने होते हैं। पहला तो है नोन टू अननोन, आपने हिंदी में पढ़ा होगा अज्ञात से ज्ञात, यानी चीज़ों को अगर हमें पढ़ाना है तो जो उनको पता है यानी जो उनका ओल्ड नॉलेज से कनेक्ट नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, तो यानी नोन टू अननोन जो हमारी मेथड है इसका यूज़ करना चाहिए। सेकेंड है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब है थोड़ा ग्रुप स्टडीज़ करवाने पर हमें इनक्रेज करना चाहिए बच्चों को। ये देखिए सारे पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आपको ऐसे मिलते हैं तो वहाँ पर सही हो सकता है, याद रखिएगा। तो रेसिप्रोकल टीचिंग का फ़ायदे क्या होते हैं कि इसमें रीडिंग कंप्रिहेंशन कंप्रिहेंशन पर काफ़ी जोर दिया जाता है। कंप्रिहेंशन अगर रीडिंग करने का मतलब होता है सिर्फ एक रीडिंग नहीं लगाना, इसका मतलब है हमें ऐसा पढ़ना कि ताकि उसके पूरी अर्थ हमें समझ में आ जाए, क्या चीज़ बोली जा रही है उसका पूरा जो मीनिंग उसके स्पेलिंग उसके हर चीज़ समझ में आ जाए, तो वो होता है कंप्रिहेंशन कहलाता है। और साथ ही जो हमारे रेसिप्रोकल टीचिंग होती है ग्रुप स्टडी जो होती है क्लैरिफाई द कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न अगर होता है तो एक दूसरे से लोग पूछ लेते हैं, स्टूडेंट एक दूसरे से बात करके पूछ लेते हैं, तो इस तरह से ये हमारे कन्फ्यूज़न को भी क्लैरिफाई करता है। तो हम इस तरह से रेसिप्रोकल टीचिंग या फिर ग्रुप स्टडीज पर काफ़ी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेंट। हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि सभी बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेट हो, यानी हर बच्चे पार्टिसिपेट हो उस पढ़ाई में, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा जो है अपने आप को नेग्लेक्ट फील कर रहा है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है सी सी ए, हमें सी सी के अनुसार पढ़ाना है, जो कि जो सी सी यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन जो है ये 2009 में इंडिया में आया था, तो इसके तहत ये क्या है कि यानी सतत व्यापक मूल्यांकन। आपने हिंदी मैंने आपको समझाया हो, जब आपको हिंदी सीडीपी के पैडागॉजी कराए थे तब आपको ये चीज़ समझाई थी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जो एनसीएफएस ने काफ़ी जोर दिया है। इसमें होता क्या है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है यहाँ डेली टू डेली, यानी अगर हम बच्चों का इवेल्युएशन कर रहे हैं उनका टेस्ट कर रहे हैं उनका उनको परख रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि ईयरली हाफ ईयरली फिर यूनिट टेस्ट पर उनको परखे, हम डेली टू डेली यानी डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन उनसे पुटअप करते हैं, डेली उनके आसपास की चीज़ों के बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहें, तो कहीं कॉन्टिन्यूस हमें उनका इवेल्युएशन करना है। दूसरी चीज़ है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है उनके सब रिलेटेड एक पढ़ाई
पढ़ाई से रिलेटेड ना होकर ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी उनके हर जिन के पढ़ाई के साथ साथ जो उनके जिन शैक्षिक और सह शैक्षिक यानी स्कॉलरशिप और कोलेस्ट्रॉलिक चीज़ों को भी इनको पढ़ाना है। और ये कंप्रिहेंशन को होलिस्टिक भी कहते हैं। तो ठीक है, याद रखिए कि देखिए जो भी वर्ड मैं आप पे यूज़ कर रही हूँ, मैं सिर्फ वही वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ जो सीटेट के जो फेवरेट वर्ड्स हैं, जिनका वो यूज़ बार बार करता है। और आपको अगर ये वर्ड सीख लेते हैं तो आपको आपकी इंग्लिश पैटर्न को भी बहुत ही आसान हो जाती है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मतलब ये कि इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट सारी चीज़ें, यानी एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और सिंगिंग कर लेता है तो उसके बारे में, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड भी, उसके मार्क्स भी, सभी चीज़ों के बारे में हमें इवेल्यूशन भी करना चाहिए। तो ये हो जाता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन या फिर होलिस्टिक। नेक्स्ट रूल है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच पर भी जोर देना चाहिए। अभी आपको बताया पता से मैंने आपको ये CLL में बताया था, कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग में। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होती है, यानी कम्युनिकेशन वाली जो अप्रोच होती है, जिस पर हमें काफ़ी फोकस करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए बच्चों को, तो ये लर्नर या चाइल्ड सेंटर्ड होती है। यानी इसमें जो बच्चे को सीखने पे जो सीखता है उस पे सेंटर्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे तो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है। ये वहाँ पर क्वेश्चन आया था कि मतलब कम्युनिकेटिव अप्रोच में कौन सा सेंटर्ड में रहता है, तो वहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड में रहता है। ठीक है, तो इससे हमारा आज का जो वीडियो था यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसके पार्ट फोर्थ में, जो कि आपका फिर से एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा, मैं उसमें आपको वन लाइनर्स क्वेश्चंस कराऊंगी, टोटल 25 वन लाइनर्स कराऊंगी। और ऐसे क्वेश्चन अगर इसको करने के बाद प्रीवियस ईयर आप देखते तो आपसे 100% प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन में आपको उसके आसपास की चीज़ों के बारे में भी क्लियर किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले की वीडियो नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अपने दोस्तों का आपने शेयर नहीं किया है तो हर लोग कम से कम एक स्टूडेंट जो है टोटल 10 फ्रेंड्स को शेयर कर सकता है, ग्रुप में शेयर कर सकता है, तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।